तो आज पालिका अध्यक्ष हमारे आदरणीय सुरेश केतवाल जी हमें मिले हैं और ईओ साहब हमें मिले हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि बागेश्वर शहर में आपका क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं और किस प्रकार जो आप बागेश्वर की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे और कैसे घर में रहें। अध्यक्ष साहब दो शब्द। देखिए महिपाल भाई, अभी मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और नगरवासियों को अपील करूंगा कि अभी देखिए आप पूरे देश में महामारी चल रही है और इस टाइम पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप घर में ही सुरक्षित हैं, घर में रहिए, तो मेरी अपील है सभी से कि आप घर में रहें और बाकी काम जो कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रही है, नगर पालिका भी अपना काम कर रही है, नगर पालिका नियमित रूप से जो है पूरे शहर को सैनिटाइज कर रही है और सभी वार्डों में ब्लीचिंग और फॉगिंग का कार्य कर रही है। तो मेरा अपील पुनः आपके माध्यम से है कि आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो लॉकडाउन है उसका उल्लंघन न करें और जो समय आपको निर्धारित कर रखा है 7 बजे से 1 बजे तक का, उसी समय में आवश्यक है तभी बाहर आएँ और अपना सामान घर में रखें और बहुत अधिक सामान न रखें क्योंकि ये दुकानें हमेशा खुली रहेंगी इस टाइम पीरियड पर, और अधिक भीड़ न लगाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया गया है उसका भी ध्यान रखते हुए खरीदारी करें और घर में भी अपने बच्चों के साथ रहें और बच्चों के साथ खेलें, तो वही सबसे बढ़िया है इस टाइम के लिए। धन्यवाद। और हमारे ईओ साहब हैं, ईओ साहब दो शब्द क्या कहना चाहोगे बागेश्वर की जनता को और आप किस प्रकार से सेवा दे रहे हो इसके बारे में भी, और कौन कौन से आपके जो यहाँ कार्यकर्ता हैं जो एक्टिव हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी शासन और प्रशासन का समय समय पर कोरोना वायरस से बचने के लिए निर्देश आ रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय जो निर्देश जारी कर रहे हैं, उसका जनता से अपील करूँगा कि आप उसका पूरी तरह अनुपालन करिए। हम आपके साथ हैं, नगर पालिका के हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, वो पूरी मनोबल से, पूरी ताकत से साफ सफाई, ब्लीचिंग का छिड़काव, सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, ये सारे जितना भी ये फॉगिंग का काम जो भी हम बचाव के लिए कर सकते हैं, जो हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, हम पूरी तरह से लगे हैं। और हम अपने कर्मचारियों का भी धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे कर्मचारी हैं बिल्कुल इतनी परिस्थिति में भी किसी तरह से डर नहीं रहे हैं, वो पूरी तरह जी जान से लगे हुए हैं। तो मैं यही समस्त जनता से अपील करूंगा कि आप शासन प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करिए, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, गंदगी मत करिए, कूड़ा कहीं बाहर मत फेंकिए, जो भी गंदगी है या कूड़ा है वो आप कूड़ेदान में या पालिका वाहन में ही डालिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बचे कि हम कूड़ा आपका समेटने की अपेक्षा हम छिड़काव में या कोरोना वायरस से बचाव में अधिक से अधिक समय लगा पाएँ। और मैं सबसे अपील यही करूँगा कि हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं और पूरी तन्मय से जब भी जितना भी आवश्यकता हमारे कर्मचारी हम लगे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी भी साथ साथ घूम रहे हैं, पूरे शहर में हम देख रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति जहाँ भी जरूरत हमें पड़ेगी हम सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद।